तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो एक कार है जिसका मास 100 की मूविंग विथ स्पीड, अगर एक कार है उसकी खुद की मास अपनी दी हुई है, कार का मास, तो अगर ये कार है और आगे जा रही है, कितने एक्सीलरेशन से जा रही है, एक कार, इस कार के पास मास है 1000 kg और हैविंग स्पीड इसका 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, ब्रेक्स आर अप्लाई टू कम टू रेस्ट। अगर कुछ टाइम बाद एक कार यहाँ पर थी और उसके बाद हमने ब्रेक लगाया और ये जो कार है वो जाके कहीं पे रुक गई, स्टॉप हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू यहाँ पे दिया हुआ है 30। अब इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर, जो इसको रेजिस्ट कर रहा है, जो अपोज कर रहा है इस कार का, पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो 500 न्यूटन दिया हुआ है, जो कि इसको रिटार्ड करेगा यार। द कार विल कम टू रेस्ट इन, कितने टाइम में कार रेस्ट में आ जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे टाइम निकालना है तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन जनरेट होगा, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन इस पर जनरेट होगा, उस रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू फोर्स अपान मास होता है, फोर्स यहाँ फ्रिक्शनल है, मास एम है, तो फोर्स कितना आ गया, 500 न्यूटन यहाँ आ गया, 5000 न्यूटन आ गया, इसका मास 1000 है, तो ये 3 0 3 0 को खा गए, तो एक्सलेशन आया, रिटार्डेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ रिटार्डेशन इतनी आ जाएगी। अब बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर तुम लगाओगे तो क्या होगा भाई, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा, तो चलो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, तो हमें टाइम पर फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल हमें दिया हुआ है 30, माइनस रिटार्डेशन यहाँ और टाइम टी, तो ये आ जाएगा ए टी की जो वैल्यू आ जाएगी, ए टी की वैल्यू आ जाएगी 30, और यहाँ ए की वैल्यू 5 है, टाइम टी इज इक्वल टू 30, तो टी इज इक्वल टू यहाँ देखोगे तो 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद गाड़ी जाके रुक जाएगी, तो अपना यहाँ से जो डी ऑप्शन है वो सही है। थैंक यू।